बताओ भाई, कोई ऐसी बात पूछो बढ़िया। याद ना भाई, नाम रहमा। नाम रहमा तो समझ में भाई, नाम सब कहने से बात तो बढ़ा दो मेरे को। असली समझ में नाम जब करने से आ गए, वो बातों से समझ नहीं आ। बातों करने से समझ में नहीं आ गए, नाम जब करे रात और दिन तब समझ में आवे। विशेष कर दे साहब क्या कर नाम लेते बन से कहने सुनने से बात हो। घर पंथन की बातें किया घर के भूख जाए, घर की भूख जब जावे सोतना क्या। कैसा ही क्यों ना जाए नींद सोता, वो नाम लेते ही सचेत होता। शब्द में संतों ने शास्त्रकारों ने अचिंत शक्ति मानी है। शब्द में दूसरों में देह स्पर्श संस्पर्श रूप रस गंध इनमें इतनी शक्ति नहीं मानी है जितनी शब्द में शक्ति है, अचिंत शक्ति बताई है। एक तो दो शक्ति मुख्य है मूल, इसमें दो शक्ति है मुख्य। क्या कि दूसरे जितने इंद्रिया है कानों के सिवा है, जो स्पर्श है फसा है जो स्पर्श करने वाली सोचन स्पर्श रसन धारण नहीं हो जाए। स्पर्श है शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इनको ग्रहण करने वाली चक्षु वाली इंद्रिया है। तो ये एक एक विषय एक एक विषय करने वाली है। एक जैसे त्वचा है तो एक शब्द ये स्पर्श को विषय करती, स्पर्श को इसे स्पर्श आता उसी स्पर्श के ये कैसा स्पर्श है, ये शीत है उष्ण है उष्ण शीत है चिपचिपा है सुतारा है खुर्रा है आदि आदि ऐसी चीजों को स्पर्श करने से त्वचा अपना विषय करती है। और रूप है ये कैसा है, वो काला है पीला है धोला है सफेद है, ये है किसका छाया है कुछ भाव है आदि के रूप को विषय करती है। और रसना है वो रस वक्त आए मीठा है सफरा है कड़वा है कसेला है मधुर है, ऐसे एक रस को संबंध हो जाए कुछ संबंध को उसे कर दिए। और गंध है वो सुगंध है दुर्गंधी है कैसी है इनको गंध पसंद करते हैं। मानो जो इंद्रिय के साथ में संबंध होता है उस विषय को भी वो प्रकाशित करते हैं। कर्मेंद्रिया ऐसी है कि जिसका कर्मेंद्रिय का संबंध नहीं है उसको भी कर्मेंद्रिय विषय करती है। स्वर्ग है परमात्मा है तो इसका काल के साथ संबंध है ही नहीं, काल के साथ शब्द है और शब्द के साथ वो है, तो ये दो विषय करते प्रत्यक्ष पर शब्द के साथ संबंध में शब्द है। वो शब्द दो तरह का होता है, एक शब्द ध्वन्यात्मक होता है एक वर्णात्मक होता है। ये जो बोलते हैं वर्णाधिक है वो वर्णात्मक है, ये ध्वन्यात्मक है जिसे ध्वनि का ज्ञान होता है। ध्वनि में बाजे होते हैं, बाजे तार का होता है खाल का होता है और एक फूक का होता है और एक करता रोजिए साढ़े तीन मान दो चार ऐसे बाजे इतने बाजे होते हैं तरह का बाजों का ज्ञान होता है। तो शब्द का ज्ञान होता है ये तो कान के साथ संबंध होता है तब होता है, परंतु स्वर्ग है परमात्मा है अब चीन है जापान है आदि देश है उनका ज्ञान होता है उनकी बातों का बोध होता है। तो जो अपने इंद्रियों से अतीत है अलग है उनका भी शब्द के द्वारा ज्ञान होता है। तो कान में दो शक्ति है ये इन नंदोजन के सिवा एक और मिले ये निर्गुण है ये साकार है निराकार है और ऐसे मुक्ति होती है ऐसे बंधन होती है ऐसे नर्क होते हैं ऐसे स्वर्ग होते हैं। और उनकी बातें रीति शास्त्रों के द्वारा वो पढ़ने से भी आता है तो नेत्रों के द्वारा भी ज्ञान होता है।
पर शब्द के द्वारा विशेष होता है ज्ञान, तो नेत्रों के द्वारा ज्ञान उतना नहीं होता है। नेत्रों के द्वारा तो संबंध वर्ष होता है, इनका संबंध न होने पर ही शब्द के द्वारा ज्ञान होता है। खुद का शब्द का ज्ञान होता है और शब्द के द्वारा ज्ञान हो जाता है उसका। जैसे कोई बोलता है तो बोलने वाले कंठ का ज्ञान, उसके कंठ का ज्ञान से उस आदमी का ज्ञान हो जाता है। अमुक आदमी बोल रहा है, ये बोल रहा है। ये ढोलक बजती है, ढोल बजता है, अलग अलग होता है ज्ञान। तो वो शब्द होना सखावज है, मैं दम करे बहुत बातें बजते हैं, तो इनका ज्ञान भी हो जाता है उसको। तो परोक्ष का ज्ञान, परोक्ष कितना विचित्र, अनादिकाल से अविद्या में पड़ा हुआ जीव है उसको चेतन कर देता है, परमात्मा तत्व का बोध करा देता है शब्द। इसमें शब्द में सिद्ध शक्ति है। अब सामान्य शब्द में भी ये शक्ति है, ऐसा भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान का नाम लिया जाए तो उसमें विलक्षणता आती है। शब्द रूप भगवान है, शब्द ब्रह्म साधार कहा है संतों ने, ये शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म आती वर्तते, वेद का नाम शब्द ब्रह्म है, परमात्मा का नाम शब्द ब्रह्म है, तो भगवान के नाम का नाम भी शब्द ब्रह्म है। तो हमारे साथ है शब्द ब्रह्म, तो शब्द साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। तो भगवान के नाम में अनंत शक्ति, इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं, विलक्षण बात है। तो भगवान का नाम है उसमें अलौकिक बात है, उसमें विचित्र बात ऐसी है कि जैसे किसी के आदमी के सांप खा जाए और जहर चढ़ जाता है, तो शब्द से मंत्र बोलने से जहर उतर जाता है, जहर मृत्यु सड़ जाता है। सोचो कर शब्द गया नहीं हो जाए, अलग बैठ कर कपड़े को शेष करे, ऐसे शेष करे शब्द बोले मृत्यु उतर जाए। कितनी शब्द शक्ति है, अरे बस ये उतर जाए नहीं, संसार का भी उतर जाए, ब्रह्म मिट जाए, संशय मिट जाए, कितनी दुख बात है। तो शब्द अत्यंत शक्ति है, विश्वास बताया विद्या दुर्बल है और शब्द परमात्मा का स्वरूप है। तो मोह आने से, शब्द से मोह नष्ट हो जाए, मूर्ता नष्ट हो जाती है, विज्ञता आ जाती है, शब्द में विलक्षणता जानकारी आ जाती है और आत्मा से विलक्षण हो जाता है। शब्द के द्वारा ऐसी शक्ति होती है, अगर वो भगवान का नाम हो तो भगवान के साथ उसका संबंध हो जाता है। भगवान का नाम लेकर जो पुकारता है तो भगवान को प्रकट करते, भगवान प्रेम से तंग बोला जाए तो आसक्ति से, प्रेम से, प्रियता से अगर उसका नाम लिया जाए तो भगवान प्रकट हो जाए।